rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to solve some objective type of questions. First type is multiple choice questions. It means there are four alternative answers of this question. You have to choose correct one. Let us do first one. What we can call control of society on man? जो सोसाइटी मैन पर कंट्रोल करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? उसको हम इंडिविजुअल कंट्रोल बोलेंगे, सोशल कंट्रोल बोलेंगे, कलेक्टिव कंट्रोल बोलेंगे, सेल्फ कंट्रोल बोलेंगे. यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट वन. डेट अप्रोप्रिएट वन इज बी. डेट मीन सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल जो सोसाइटी मैन पर कंट्रोल करती है वो सोशल कंट्रोल से एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है. एंड नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. इट इज व्हिच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है? नंबर ए लव, विश, प्रेशर, आइडिया. आपको ये देखना है इन चार में से कि सोशल कंट्रोल के लिए नेसेसरी एलिमेंट कौन सा है. अप्रोप्रिएट वन. अप्रोप्रिएट वन इज सी. डेट इज प्रेशर. प्रेशर जो है इट इज नेसेसरी फॉर सोशल कंट्रोल. प्रेशर के बगैर सोशल कंट्रोल सोसाइटी कंट्रोल में नहीं आ सकती. नंबर थर्ड वन इज हु हैज क्लासिफाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल. आपको देखना है कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिसने कंट्रोल को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया है. डेट मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल की कैटेगरी में रहता है. नंबर वन इज बेहेंड, मैकवेथ, मैनहिम, गोविश. आपको इन चार में से देखना है कि कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की क्लासिफिकेशन दी है. इट इज मैनहिम. डेट मीन्स सी. सी मैनहिम ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल की क्लासिफिकेशन दी है. नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. वेयर फॉर्मल कंट्रोल एग्जिस्ट्स. आपको ये देखना है जो फॉर्मल कंट्रोल है वो कहाँ एग्जिस्ट होता है. Whether it exists in ancient societies, or in tribal society, or in development society, or in complex society. आपको इन में से देखना है कि appropriate one इन चार में से कौन सा है. Social formal control exists in complex society. That means D. This one is correct. जो ये फॉर्मल कंट्रोल ये ज्यादा हमें कहाँ एग्जिस्ट नजर आता है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में. नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. व्हिच टाइप ऑफ कंट्रोल इज रिलीजन. जो रिलीजन है ये कौन कंट्रोल का कौन सा टाइप है. वेदर इट इज फॉर्मल कंट्रोल, वेदर इट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल, और इट इज इनफॉर्मल कंट्रोल, और इट इज डायरेक्ट कंट्रोल. रिलीजन जो है इट इज इनफॉर्मल कंट्रोल. डेट मीन्स दिस सी. सी इज करेक्ट. रिलीजन जो होता है ये इनफॉर्मल, ये ऑटोमेटिकली इंसान में पैदा होता है. डेट मीन्स इट इज इनफॉर्मल कंट्रोल. एंड मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. व्हिच टाइप ऑफ कंट्रोल वाज देयर इन एंशिएंट सोसाइटी. एंशिएंट सोसाइटी में कंट्रोल का कौन सा टाइप चलता था. नॉन फॉर्मल, नंबर बी डायरेक्ट, नंबर सी फॉर्मल, नंबर डी नो वन. एंशिएंट सोसाइटी में नॉन फॉर्मल कंट्रोल लागू था. दैट मीन्स ए. ए इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. You have to fill up the blanks. Number one,
For the dash dash of society, social control is necessary. Society के किसके लिए social control necessary होता है? For the security, social control society के लिए, society की security के लिए जरूरी होता है. It means there will be security. Move towards next one. Police is a dash dash type of control. जो पुलिस महकमा है वो कंट्रोल का कौन सा टाइप है? Whether it may formal, informal, direct, indirect. It is पुलिस जो है ये फॉर्मल टाइप ऑफ कंट्रोल है, ये फॉर्मल होता है. And move towards next one. It is modern societies have dash dash type of social control. जो modern societies है इनमें से कौन से control का कौन सा type लागू होता है? It is formal. Modern societies में formal type of control होता है. Move towards fourth one. Traditional societies have dash dash type of control. जो traditional societies होते हैं उनमें से किस टाइप का कंट्रोल होता है? उनमें इनफॉर्मल कंट्रोल टाइप ऑफ कंट्रोल होता है. मूव टुवर्ड्स फिफ्थ वन. सोशल कंट्रोल इज डैश डैश इन नेचर. जो सोशल कंट्रोल है वो क्या है? इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. नंबर सिक्स्थ वन. फैमिली इज ए डैश डैश टाइप ऑफ कंट्रोल. जो फैमिली है वो कंट्रोल का कौन सा टाइप है? इनफॉर्मल. एंड मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. प्रिजन इज ए डैश डैश टाइप ऑफ कंट्रोल. जो प्रिजन है वो कंट्रोल का कौन सा टाइप है? इट इज फॉर्मल कंट्रोल.